हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज दिवाली है, तो आप सभी को दिवाली के ढेर सारे शुभकामनाएं। तो तैयार होकर हम दिया जलाने के लिए बैठ गए हैं, और ढेर सारा दिया था तो इसे हम पानी में भिगा करके और सूखने के लिए रख दिए थे। सूख गया था तो इसे हम दिया को अच्छा से सजा करके इसमें हम बत्ती सजा लेंगे। तो सबसे पहले हम 5 दिया अपने कुलदेवता के नाम से हम बारते हैं। तो इसमें हम सरसों तेल रखेंगे। बहुत जन तिल का तेल रखता है, लेकिन सरसों का तेल ही शुभ होता है। तो इसमें हम दिया में सरसों का तेल रख दिए हैं और बत्ती को अच्छे से भिगा करके जला लेंगे। अब इससे हम अपने कुल देवता का नाम। दिवाली के दिन आते ही घर में कितनी रौनक आ जाती है, चारों तरफ लाइट ही लाइट, और बहुत ही सुंदर लगता है देखने का नज़ारा, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। अब यहाँ हमने दिया को जला लिए हैं, तो अब हम चलते हैं पूजा रूम में। तो यहाँ पे पूजा रूम में हम आ गए हैं, और दिया को हम अपने कुलदेवता का नाम से रख करके उन्हें रख के प्रणाम करेंगे। फिर यहाँ पे हम सातों मैया के नाम से 7 दिया जलाएंगे। तो दिया को पहले हम प्लेट में एक सजा लेते हैं, फिर से हम दिए में बत्ती रखेंगे और अच्छे से इसे हम तेल रखेंगे। दिया को पूरा तेल भर कर नहीं रखेंगे, हाफ हाफ दिया तेल रखेंगे। दिया को हम जला करके ले लिए हैं, और फिर से इसे हम सजा करके ले लिए हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में। अब यहाँ पे हम सातों माँ के नाम से दिया रखेंगे, और गंगा मैया के नाम से, जमुना मैया के नाम से, और एक भूलल चुकल रखाता है, और मेरी बेटी मस्ती कर रही है। अब हम चलते हैं छत पर। छत पर वहाँ तुलसी जी का पेड़ है और केला का पेड़ है, तो वहाँ भी दिया जलाना होगा। नल है छत पर, तो वहाँ भी दिया जलाना होगा। तो अब हम चलते हैं छत पर दोस्तों। चलिए आप भी मेरे साथ। हेलो, आपको भी हम छत का नज़ारा दिखाते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में। अब यहाँ हम तुलसी जी के नाम से दिया रखेंगे। हेलो गाइस, और एक केला का पेड़ है, तो यहाँ भी हम रख देंगे दिया। डांस करते हैं। चेहरा दिखा। फिर मेरी बेटी दिया ले ली अपने, वो रख रही है एक नल का पास रख रही है, और भी छत पे सजा रही है दिया। तो देखिए यहाँ से लाइट कितना सुंदर लग रहा है देखने में, और चारों तरफ फटाका ही फूट रहा है, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है नज़ारा। फटाका का धुआं इतना हो गया है कि यहाँ से टाटा कंपनी नहीं दिख रहा, नहीं तो सीधा ही दिखता है एकदम फ्रेश। अब यहाँ पे छत पे बच्चे भी आए हैं, बच्चे देख रहे हैं यहाँ से। तो छत का नज़ारा आप सभी को कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब छत से नीचे आ गए हैं, तो फिर गणेश जी लक्ष्मी जी का पूजा किए। तो दिवाली पूजा का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सारे भगवान को हम भोग लगाए हैं केला और लड्डू का। तो मेरी पूजा रूम का वीडियो कैसा लगा आप सभी को, और यहाँ माता रानी के पास जो दिया जलाए थे, तो सारे दिया बुत गए हैं, कुछ दिया जल रहे हैं। और